he was known as Karam Chand Gandhi. And he was also known as Bapu and the father of our nation. He was born on 2nd of October 1869. His father's name was Karam Chand and his mother's name was Putri Bai. He had studied law from University of Bombay for 1 year and then got graduated from University of London. He had played an important role in freedom of India. He was a man of simple living and high thinking. He always followed the path of truth and non-violence. सबको देख रहा था इसलिए आपसे मिलने आना पड़ा। कैसे हो आप सब? मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे क्या? आप लोग जानते हो इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? मैं बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर वो होता है जो सबकी गलतियाँ माफ कर दे, क्योंकि एक कमजोर आदमी कभी भी सबकी गलतियाँ माफ नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। एंड आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर कोई मेरी आँख फोड़ दे और बदला लेने के लिए मैं भी उसकी आँख फोड़ दूँ तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। प्रिय बच्चों, लीव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉर एवर। बच्चों, ऐसे जियो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और ऐसे पढ़ो कि तुम्हें हमेशा जिंदा रहना है। आजकल हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े शैतान घूम रहे हैं, अपनी उनसे रक्षा करो। पर दुख तो इस बात का है कि इन शैतानों को आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। क्या आप लोग जानना नहीं चाहोगे वो शैतान कौन है? चलो मैं बताता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स, एक दिन ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। अगर आपको इनसे बचना है तो अपने आप को अच्छे कामों में बिजी रखो, जैसे पेड़ लगाना जो कि आज की ज़रूरत है, अच्छे किताबें पढ़ना, लोगों की मदद करना, खुद के काम खुद करना और अपने माँ के घर के कामों में हाथ बटाना। अगर आप ये सब करोगे तो ये शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और अपने आप गायब हो जाएंगे।